राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस ने पेश किया विश्वास मत का प्रस्ताव, दोपहर 1 बजे तक सदन स्थगित। भारी बारिश की वजह से सदन नहीं पहुंच पाए विधायक, स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। आज 3 बजे बिजनेस एडवाइजरी की बैठक, पहले गहलोत का विश्वास प्रस्ताव या बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव पर होगा फैसला। आज विधानसभा में सचिन को होगा घाटे कद का एहसास, पिछली कतार में निर्दलीय विधायक के पास होगा बैठना। राजस्थान का सियासी संकट होने के बाद पहली बार मिले गहलोत और पायलट, दोनों के चेहरों पर दिखी मुस्कुराहट। चौबीस घंटे से दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारी बारिश, कई गांव बाढ़ की चपेट में। सुरेंद्रनगर में लगातार 8 इंच बारिश, घरों में घुसा पानी। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, चौथी बार गांव में भरा पानी। गांव की सड़कों पर चल रही है नाव, पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पहाड़ों पर भी कुदरत का कोहराम, पिथौरागढ़ में सैलाब का शिकार हुए बुलेट सवार, नाले में बह गई बुलेट, एक भाई की मौत, दूसरा घायल। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का कहर, बद्रीनाथ हाईवे पर 8 से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन। उत्तराखंड के बागेश्वर में 5 दिन से कहर बनकर बरस रही है बारिश, 2 दर्जन सड़कों पर भारी लैंडस्लाइड, बिजली पानी सब बंद। देहरादून के कई इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है बरसाती पानी, कई कॉलोनीज में भरा पानी। कन्नौज में भारी बारिश ने जनजीवन को किया अस्त व्यस्त, शहर की सड़कों पर नदियों जैसा नजारा। मंडी में लैंडस्लाइड से रास्ते पर गिरी चट्टाने, 2 की मौत, कई कारें चपेट में। जयपुर में भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में भरा पानी। जयपुर में कई घंटे तक जमकर बरसे बादल, पानी भरने से थमी ट्रैफिक की रफ्तार। कानपुर की दुकानों में बरसाती पानी भरने के बाद व्यापारियों की नाराजगी, सड़क पर लगाया जाम। सुल्तानपुर में भारी बारिश का कोहराम, कच्चे मकान की दीवार गिरने से पिता पुत्र की मौत। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, आंकड़े 24 लाख के पार। 24 घंटे में 64,500 से ज्यादा बढ़े कोरोना केस, इस वक्त देश में 6,60,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना से एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 48,000 लोगों की जा चुकी है जान। भारत में तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन पर इंसानों का पहला ट्रायल कामयाब, दूसरा चरण अगले महीने। कोरोना टीके का फेज 1 के ह्यूमन ट्रायल का दौर ज्यादातर सेंटर्स पर निपटा, जल्द रिपोर्ट आएगी।